अभी नहीं शैम्पू डालना, ठंड को नहीं लग रही ना, गर्म पानी है फिर किचन अंदर बह के फिर ठंड कितों लगेगी मेरे शहजादे नू। अभी भाई को नहला के ना फिर आपको नहलाते हैं, ठीक है ना। दादा मैं शैम्पू ला जा। गर्मा गर्म पानी है। इधर देखो, नहीं नहीं कर ली सुबह का कह रहे हमने नहाना है, हमने नहाना है। पापा इधर आ जाओ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम भाई की फैमिली, कैसे हैं? जी उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो जी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज है जी माशाल्लाह से जी जुम्मा का दिन, और मैंने किचन में पानी गर्म किया और किचन में ही बच्चों को नहला दिया है। बाहर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी हवा चली हुई थी, तो मैंने कहा बाहर नहीं नहलाते हैं, पानी माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो गर्म है और अब तक धुआं निकल रहा है, तो धूप तो निकलेगी नहीं। मैंने कहा फिर बच्चों को तो नहला ही देना, कब तक धूप का इंतजार करेंगे। तो साथ इनकी दादी अम्मी जो है ना आग भी जला के बैठी है ताकि मेरे शहजादों को ना ठंड ना लगे। अब्दुल्ला को मैंने जैसे नहलाया है दादी अम्मी की गोद में डाल दिया है, क्योंकि आज जुम्मा है ना, मेरे बच्चे भी समझदार है कि जुम्मे वाले दिन नहाना चाहिए, सुन्नत भी है, स्वाद भी है, नाखून काटनी हो तो वो भी जुम्मे वाले दिन काटे, अगर नहाना हो ना तो फिर जुम्मे वाले दिन ज़्यादा स्वाद मिलता है नहाने का, वज़ू करने का और साफ सफाई करने का। अब्दुल हादी ने भी नहा लिया और जल्दी से मैंने अब्दुल हादी को गोद में डाल दिया और ऊपर चादर भी गर्म करवा दी है। बाल खुश करते हैं और जिसम खुश करने के बाद फिर कपड़े पहनाते हैं जल्दी से, और थोड़ी आग सेक कर फिर इनको जल्दी झूले में डाल देंगे ताकि ये खेले ना। हवा थोड़ी थोड़ी जो है ना वो चली, वैसे आज जो है ना कुछ मौसम बेहतर है क्योंकि माशाल्लाह से जिया जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन मौसम जो है ना मुझे कुछ साफ साफ लग रहा है, हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है और धुंध भी आ रही नहीं है, साफ साफ मौसम है। अब्दुल्ला को बोला क्या है इनके दादा अबू कहते हैं, आरफ लोअर, आरफ लोअर हैं इनके दादा अबू कहते हैं, ये है जी मेरा आरफ लोअर। तो भाई इनके बालों में तेल भी लगाते हैं, कंघी भी करते हैं ताकि मेरे बच्चे सही तरह फ्रेश हो जाएं। और अब्दुल्ला दी कहाँ छुपा हुआ है? अब्दुल्ला हादी और यहाँ पे अब्दुल हादी छुपा हुआ है, निक्का जी काका है, इधर अब्दुल्ला छुपा हुआ यार। आ निक्का काका है, बड़ा काका है, अच्छा लग रहा है ना नहा के। इधर कौन छेड़ता अभी अब्दुल्ला का जिस्म भी खुशक हो ना बाबू, ठंड लगती पड़ी है। तो आज मौसम जो है ना कुछ बेहतर है और थोड़ी देर तक उम्मीद है कि सूरज जो है ना वो निकल आएगा, उम्मीद है कि निकलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक धूप निकाले। और अभी सेन की सफाई वगैरह भी करनी है, कुछ इस तरह का सेन जो है ना वो हुआ पड़ा है, और मेरे बच्चों के जो ट्रक है ना वो कभी इधर पड़े होते हैं और कभी उधर पड़े होते हैं इसी तरह।
तो अभी जी बारी है जी कपड़े पहनने की, और उसके बाद क्या करना है अब्दुल्ला दी? हा? क्या करना है? आशी वाले नहीं जाना, उसके बाद आपने सोना है। हमने इनको बताया था कि आपको ना आपकी शादी वाले और आसिफ की तरफ चलेंगे, तो इन्होंने कहा चलिए जल्दी से हम नहा लेते हैं। और अब्दुल्ला भी आ चुका है जी, अब्दुल्ला को कपड़े पहनाते हैं जी। अब्दुल्ला निक्का सा काका बना हुआ, निक्का सा काका, ये हमारा छोटा सा काका ही है वैसे भी। तो अभी जी अब्दुल्ला जो ना वो कपड़े पहन रहा है। क्यों नहीं कपड़े पहने? एक दो और नीचे वाली शर्ट, तीन 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 कपड़े पहने, ठंड लगने की कोई गुंजाइश ना हो। ऊपर करो, अभी तेल लगाना है, ऊपर बटन बंद करते हैं। अभी नींद भी आ रही है। नींद भी आ रही है। मासी अभी तेल लगा के कंघी करके बस अभी है। तेल उठा के दीजिएगा। ये लंकेल अब्दुल्ला दी पकड़ो तेल। अब्दुल्ला दी ने अपनी सॉक्स पहन ली हैं और अभी अब्दुल्ला की बारी है। और अब्दुल्ला दी कहता कि ये मेरे वाली जुराबे हैं, है अब्दुल्ला दी? ये भाई की हैं? नहीं, वो जो आपने पहनी हुई ना वो वाली आपकी, ये वाली नहीं आपकी। कंगी देवी तो मैंने लगा तो दिया आपको तेल, लगा दिया आपको मैंने। काटी बार बार ये तेरे माँ जो आ बच्चा ना अपना बार लगी। आपने लगा लिया तेल? लगा। किसने लगाया आपको? दादी ने लगा दिया। दादी ने लगा दिया। चलो इधर कोई कंघी करो। आप ही फिरनी है, आप तो सारा दिन इधर ही लगे रहोगे, सारा दिन इधर ही लगे रहोगे। तो माशाल्लाह जी अभी बात कर रहा था सूरज की, और सूरज मियां जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो चुका है और धूप भी आना स्टार्ट हो चुकी है, ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे सूरज निकला है और बेगम साहब ने कहा जी चार पे जो ना वो बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह जी आज बच्चे ना आए। तो अभी जी इनको झूलों के अंदर डालते हैं क्योंकि सूरज भी निकल आया और यहाँ पे ठीक रहेगा। पहले हमारा आपने नहीं सोना भाई, जुमा वगैरह पढ़ के उसके बाद हम चलेंगे आंसू की तरफ। अब क्या कहती, जुमा पढ़ के चलेंगे? जुमे से पहले हो जाए? नहीं यहाँ पहले जुमा पढ़ा है। हाँ जी मैं आपको कपड़े प्रेस कर देती हूँ, बच्चे हैं तो जिद करते रहेंगे, जुमा पढ़ना भी तो जरूरी है ना। हाँ जी इधर आओ दिखाओ सेवन किस तरह की आपकी है। बस ये अब्दुल्ला ने निकाली है सीमन। अबे पहले मुंह कर के पर चाबी किने देखी है? किदे चाबी? हां चाबी किदे? वाला कर चाबी तू चाहिए? हां चाबी किने के दाई चाहिए दसो? इधर तो आ मैं कोट पावो। अब्दुल्ला दी चाबी चाहिए? मैं काम कर ले दे चाबी। चाबी किदे? बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से जी सो गए हैं, और माशाल्लाह धूप जो है ना वो भी प्यारी प्यारी निकल रही है।
और अब जी शहजाद साहब के कपड़े प्रेस करते हैं क्योंकि उन्होंने जाना है जी जुमा पढ़ने के लिए और हमारा वहाँ पे जाना कैंसिल हो गया। तो जी आज हमने सुबह सुबह प्लानिंग बनाई थी कि आज ना जुमा पढ़ने के बाद हम जाएंगे अपनी सिस्टर की तरफ सादिया और आसफ को मिलने के लिए। तो आज है ना उनको छुट्टी नहीं हुई, नहीं तो वो हर जुमेरात आते हैं, मतलब एक महीने में एक जुमेरात को आते हैं। तो हमें नहीं पता था कि वो जुमेरात नहीं आए, तो अभी हमने कॉल पे बात की है तो सिस्टर कह रही कि वो नहीं आए इस दफ़ा, अगली जुमेरात को आएंगे। तो हमारी नेक्स्ट की फिर प्लानिंग बन, अभी शहजाद साहब जाते हैं जी जुमा पढ़ने के लिए। तो जी अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और कपड़े प्रेस करने के बाद लगाना है झाड़ू, क्योंकि आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। सुबह नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी में और नाश्ता बनाने के बाद खाने के बाद बर्तन साफ किए, जल्दी जल्दी नाश्ता इसलिए बनाया क्योंकि बिलाल ने स्कूल जाना होता है और मुझे बड़ी परेशानी होती है कि पूरे 8 बजे हमारा नाश्ता जो है ना वो तैयार होना चाहिए। और आप लोगों को पता कि सर्दियों में 8 जो है ना वो कितनी जल्दी बच जाते हैं। तो इस तरह ज़्यादा गर्म हो गए तो इसलिए आज जो है ना मेरे झाड़ू रह गया। मैंने कहा अभी जुम्मे का टाइम भी हो चुका है, शहजाद साहब को कपड़े प्रेस कर देने के बाद ना फिर लगा लेंगे झाड़ू, क्योंकि वैसे भी सर्दियों का मौसम है, झाड़ू का इतना इश्यू नहीं होता। पूरे घर की सफाई जो है ना मैंने कर ली है, शहजाद साहब ने बाइक बाहर निकाल दी है और यहाँ पे नहा के खड़े हैं जी, धूप इंजॉय कर रहे हैं, जुमा पढ़ने के लिए जाने लगे हैं। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी धूप निकाली। ऐसे ही है ना डेली, ऐसे होता है कि बस कमरे के अंदर या किचन के अंदर हमारा दिन गुजर जाता है, बस बाहर निकलने को दिल नहीं करता, बाइक पे कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो आज तो वैसे हमारा प्लान बना हुआ था कि हम जाएंगे, लेकिन वो तो कैंसिल हुआ, लेकिन ये है कि धूप निकल आई। तो जुमे का टाइम जो है ना वो आधा घंटा पड़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ पे जुमा जो होता है ना वो 1:30 बजे होता है और 1 बजने वाला है। तो अभी जी धूप पे खड़े और नहाए हैं, सुकून आ गया यकीन जी, बिल्कुल ऐसी बात है। अभी जहाँ पे मैंने जुमा पढ़ने के लिए जाना है वो सामने आप लोगों को मस्जिद नज़र आ रही होगी, और जहाँ पे वो बकरियाँ भाई लेके फिर रहे ना उसके वो आगे बरामदे और मस्जिद नज़र आ रही, स्पीकर भी लगा हुआ है, वहाँ पर जाना है मैंने। और इसके बाद हमारा एक प्लान है कि हम सर्दी है, सर्दी को एंजॉय करने के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल बना ले, क्या होना चाहिए जो आप कहेंगे, जो आप लेकर आएंगे मैं तो बना दूंगी। नहीं मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि जो मतलब कि जल्दी बन भी जाए, टाइम भी वेस्ट ना हो, ऐसा ना हो कि मतलब कि शाम हो जाए, नहीं जल्दी बनने वाली जो चीज़ होनी चाहिए वो बता दें। सर्दी है, वैसे मेरा दिल तो कर रहा है पकौड़े खाने को, लेकिन पकौड़े हमने कुछ दिन पहले बनाए हैं और रोज़ नहीं होता कि बन जाएंगे जल्दी, नहीं काफ़ी देर लग जाएगी, देर लग जाएगी। और उसके अलावा और क्या हो सकता है जो जल्दी बनने वाला है? बस जी सूजी का हलवा है जो जल्दी बन सकता है। सूजी का हलवा भी जल्दी बन जाता है, वो भी सर्दी की सौगात है जो मुझे बंदा खा सकता है। और गर्मियों में वैसे भी हम से भाई हलवा खाया ही नहीं जाता, आप लोग भले खा लेते होंगे, लेकिन इस तरह की जो है ना हलवा वगैरह या पकौड़े खास तौर पर गर्मियों में मुश्किल हो जाते हैं। इस तरह की गर्मियों में जो है ना हम चीज़ें बहुत कम खाते हैं। अभी मैं जुमा पढ़ने के लिए जाऊंगा ना तो मैं वहां से लेके भी आऊंगा ये चीज़ें। आपको क्या चाहिए, चीनी वगैरह है? चीनी है, सूजी नहीं है। और सूजी कितनी लेके आनी? सूजी कितनी लेके आनी? सूजी बस 1 किलो ही काफ़ी है। 1 किलो सूजी और किशमिश वगैरह, गरी वगैरह? चले ठीक हो गया। अभी शहजाद साहब जो है ना जमा पढ़ने चले गए हैं और मैं अभी जी कपड़े धोने जा रही हूँ, कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और बच्चे माशाल्लाह से जी धूप इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज जुमा जो ना वो अदा कर लिया है और अभी सूजी और चीनी वगैरह जो जो चीज़ें हमें चाहिए ना वो हम ले कर चलते हैं। और ये वाली मस्जिद है जी जहाँ पर हमने जुमा अदा किया था। तो घर पहुंच आए हैं जी और जो सामान लेके आए थे ना छोड़ दो, आज उठाया तो जा नहीं रहा। और अब्दुल हादी क्या खा रहे थे दिखाओ, पापड़ी था। ये क्या था? मच्छी पापड़ खा रहा था। ये लें जी, अभी जल्दी से जल्दी सब बना दें, ठीक हो गया। मैं भी कपड़े धो रही हूँ।
सबसे पहले हमें ये बना दे, उसके बाद बाकी काम जो ना वो जितने मर्जी करते रहे हम आपको नहीं मना करेंगे। कपड़े वहाँ पे धोए हैं, ब्रश लगाया मैंने, हाँ जी, और लाइट चली गई। ये अब्दुल्ला की और एक अब्दुल हादी की भी है, बस एक एक पापा, हाँ एक एक है बस, ठीक हो गया। और बच्चों की चीजें देखे कैसी बनी, ऊपर ये बना हुआ, ये पता नहीं वॉच बनी के क्या बना हुआ, ये देखें जी वॉच बनी हुई है। ये पता कितना सोए हो, सोए थे कितना, कितना सोए थे, कितना सोए थे अब्दुल्ला दी, आप कितना सोए थे, इतना सारा। शहजाद साहब ने कहा कि सबसे पहले हमें हलवा बनाकर दे दें, कपड़े बाद में धो लीजिएगा। मैंने कहा चले कोई नहीं, इसमें कितना टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चार जो है ना ये बाउल, ये मैंने इसमें पानी का डाले हैं, एक मैंने इसमें चीनी का डाल दी है, इसमें इलायची वगैरह डालनी थी छोटी, वो जो कि मेरे पास नहीं है, शहजाद साहब को कहना था लेकिन मुझे याद नहीं आया। तो अभी इसकी बना लेते हैं जी चाशनी। तो पानी जो ना वो उबल चुका है, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि माँ जी भी आ रही, माँ जी भी जल्दी उदास हो जाती जी बच्चों से, वो सामने आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये देखें वो सामने आ रही है। तो चाशनी जो है ना हलवे के लिए तैयार हो चुकी है, इसमें मैंने चार बाउल जो है ना पानी का डाले और अभी तीन तकरीबन इसमें बच चुके हैं, और सिर्फ चीनी मिक्स करना नहीं होता, इसमें मतलब पानी को पकाना भी होता है सही तरह से। अभी नीचे उतारते हैं और सूजी भूनते हैं। तो जी एक किलो मेरे पास सूजी का था, और अभी इसमें आधा किलो मैंने घी डाल दिया है। वैसे अगर कप वगैरह नापे ना तो एक कप सूजी का हो और एक कप घी का इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास किलो है, और ये आधा किलो जो है ना नेमत वाला स्पेशल, ये सिर्फ मैंने हलवे के लिए मंगाया, क्योंकि ये जो है ना नेमत घी हमारे यहाँ अच्छा जो है ना वो माना जाता है, घिना जाता है, तो मुझे तो ये वैसे भी अच्छा लगता है बाकी सारे घीयों में से। माशाल्लाह से ये सूजी जो है ना वो तकरीबन हमारी घिनी जा चुकी है, और कलर देख माशाल्लाह कितना प्यारा आ चुका है। और मैं इसमें ये एक गिलास है जी मेरे पास मलाई वाला दूध, ये इसमें शामिल करूँगी, आपकी मर्ज़ी आप इसमें शामिल करें या ना करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह हमारा हलवा जो है ना वो तैयार हो चुका है, और इसमें ड्राई फ्रूट में से सिर्फ मेरे पास किशमिश थी और कुछ भी नहीं था। हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, शहजाद साहब को ऐसे ही मतलब जो है ना थोड़ा पतला पतला पसंद है, तो इसलिए मैंने दम नहीं लगाया। अभी नीचे उतारते हैं जी। कौवा जो है ना वो बोल रहा है, बड़े जो है ना वो ये कहते होते थे कि जब कौवा बोलता है ना घर में तो कोई मेहमान समझ ले के आने वाला है, तो हमें नहीं लगता कि मेहमान आएगा हमारी तरफ, क्योंकि किसी की कॉल नहीं आई थी। हलवा तैयार हो चुका है, सेकंड टाइम हो चुका है, सूरज वो सामने जा चुका है, और अभी हलवा खाते हैं जी और उसके बाद व्लॉग एंड करते हैं। मैंने माँ जी दिखाई थी वहाँ से आ रही थी, माँ जी पहुँच जाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा हलवा जो है ना वो तैयार हो गया, और माशाल्लाह इतना मज़े का हलवा तैयार हुआ ना कि बस हमारा टब्बर कहता खाते ही जाएँ, बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म। अम्मी जी है ना, अम्मी जान अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं, लेकिन ये है कि अच्छे मौके पे आ गई हैं, तो मेरे बच्चे तो पके हैं, तो माशाल्लाह से जी शौक से खाते नहीं हैं ये ना स्वीट चीज़ कोई भी, लेकिन आज बड़े शौक से खा रहे हैं, क्योंकि पतला पतला जो है ना काफ़ी मज़े का बन गया है। तो जी हमारा ब्लॉग जो है ना वो भी एंड हुआ, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो बताना है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने नेकबाग में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट पहली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।